जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ EPFO SSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने इसके बारे में जो एलिजिबिलिटी की वीडियो मैंने बनाई हुई है वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाइए और आप यहाँ पर देखोगे EPFO नई भर्ती 2019 और ये भर्ती निकाली गई है, तो आपको ये वीडियो देख लेनी है इसमें अप्लाई करने से पहले। और मैं आपको इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक जो वीडियो अभी आप देख पा रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको लिंक ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसको आसानी से वॉच करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाओ। तो चलिए जैसे ही आप जानकारी देख लो और आपको लगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पर इस पेज के अंदर आना है। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है और ऊपर दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको आना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपको इनको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद उसको कन्फर्म कर देना है, जो भी आपने फर्स्ट नेम भरा है उसको एक बार फिर से कन्फर्म फर्स्ट नेम के अंदर भर देना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आपको भर देना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम भरना है और लास्ट नेम को भी यहाँ से आपको कन्फर्म कर देना है और जो आपका फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम मोबाइल नंबर भरने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है तो आप इस पर कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता ये नंबर किसका है और किसको किसके पास ये जा सकता है। तो आपको यहाँ पर अपना वर्किंग मोबाइल नंबर ही भरना है, यहाँ पर कोई आपको फेक नंबर नहीं भरना। इसके बाद अगर इस नंबर के अलावा कोई आप और नंबर देना चाहते हो तो आप वो नंबर भी यहाँ पर भर सकते हो, चाहे वो लैंडलाइन नंबर हो या फिर मोबाइल नंबर हो। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। ईमेल आईडी भी आपकी वर्किंग होनी चाहिए और यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी ईमेल का एड्रेस भरना है। उसके बाद डोमेन नेम पर सिलेक्ट करके आपको चूज कर लेना कि आपकी ईमेल आईडी कौन से सर्वर पर है और या किस वेबसाइट पर है। तो मेरी जीमेल पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर कन्फर्म करनी होगी, आपको इस बार पूरी ईमेल आईडी भरनी होगी, जैसे कि amjadmalik5@gmail.com, इस प्रकार से आपको पूरी ईमेल आईडी भर देनी है जिस भी आपके डोमेन पर है वो डोमेन को मिला करके। अब आपने जो जानकारी यहाँ पर फिलअप किया है उसको एक बार अच्छे से चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया है जो कि सभी के वक्त अलग अलग आएगा, तो आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे बोला जा रहा है कि जो जानकारी भी आपने फिल की है आप इसको बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, तो मैं संतुष्ट हूँ कि जो मेरे द्वारा जानकारी भरी गई है वो बिल्कुल सही है, तो मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आप दूसरे ऑप्शन पर आ जाओगे। यहाँ पर 6 ऑप्शन के अंदर आपको अपना सेक्शन के अंदर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है फोटो एंड सिग्नेचर। आप यहाँ पर देख सकते हो योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और पासवर्ड भी इन्होंने यहीं पर दिया है। साथ ही जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो आपकी ईमेल और जो आपने मोबाइल नंबर अभी यूज किया उसके ऊपर भी चला गया होगा, तो आपको वो भी चेक कर लेना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, स्कैंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना स्कैंड फोटोग्राफ डालना है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पर भी आपका इमेज है वो इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास एक इमेज है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया गया कि आपके इमेज का साइज 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, तो मेरे पास एक रैंडम इमेज पड़ा हुआ है जो कि मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इसका साइज 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पर वो इमेज अपलोड करने वाला हूँ। तो आपको भी ऐसा ही कोई इमेज यहाँ पर अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच हो। तो मैंने यहाँ पर ये इमेज चूज किया और ये करने के बाद आप देखोगे कि इमेज यहाँ पर आ चुका है, इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर स्कैंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक फाइल चूज करनी है और ये मैंने यहाँ पर एक चूज किया रैंडम इमेज कोई भी, क्योंकि मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी इमेज फिल कर सकता हूँ, पर आपको यहाँ पर अपना पहले ऑप्शन में फ़ोटो और दूसरे में सिग्नेचर ही करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही आप नेक्स्ट कर दो तो आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, बेसिक और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। सबसे पहले बेसिक में आपसे पूछा जा रहा है रीजन ऑफ विच दी कैंडिडेट्स इज अप्लाइंग, यानी कि आप किस रीजन से अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ से आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं उत्तर प्रदेश रीजन से हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद स्टेट यूनियन टेरेटरी कवर्ड अंडर द रीजन, कौन सी टेरेटरी है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ चुकी है, मैंने चूज कर लिया। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ से फिलअप कर देनी है, आप जिस भी कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। तो मैं ओबीसी एनसीएल यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। इसके बाद अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर दिया गया नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी कि जैसे ही आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप अपनी कैटेगरी के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर भी यही कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% एंड अबो, क्या आप विकलांग हो जो 40% से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद कुछ ऑप्शन ये एक्टिव नहीं होंगे, अगर आप यस करोगे तभी एक्टिव होगे, तो आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिशन, क्या आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए, तो आपको यस और नो के अंदर आंसर दे देना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इनके ऊपर आप क्लिक नहीं कर पाओगे, ना ही मैं कर पा रहा हूँ, तो आपको इनको ऐसे ही छोड़ देना है, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको कुछ मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन एक्टिव है। ये यहाँ पर आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए एक्टिवेट है। अगर आप हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय है, तो मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद आर यू एम्प्लॉय ऑफ ई पी एफ ओ, तो अगर हो तो आपको यस करना है, और मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना, तो मैं मुस्लिम हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद नेशनलिटी सिटीजनशिप आपकी क्या है, यहाँ से आपको इंडियन चूज कर लेना है। इसके बाद सेंटर ऑफ प्रिलिमरी एग्जामिशन, आप अपने जो प्रिलिम एग्जाम है उसका सेंटर कहाँ रखना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं चूज करने वाला हूँ एक झांसी, और जो आपका मेन एग्जाम है जो फेज टू के अंदर होगा उसका सेंटर मैं यहाँ पर आगरा के अंदर रखना चाहता हूँ, ये मैंने चूज कर ली है। इसके बाद पर्सनल डिटेल, अब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से आपको चूज करनी है। उसके बाद आपको मंथ चूज करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से ईयर चूज कर लेना है, और इसके बाद फिर आपको नीचे आना है, अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हो या फीमेल हो, मैंने यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर लिया है। अपना मैटेरियल स्टेटस, आप शादीशुदा हो या फिर डिवोर्स्ड हो या फिर जुडिशियली सेपरेटेड हो या फिर विडोवर हो, तो मैं यहाँ पर अनमैरिड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पर देना होगा, उसके बाद आपको अपना मदर नेम यहाँ पर देना होगा, और आपको यहाँ पर एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भर देना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वो होता है जो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो, तो आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर देना है। इसके बाद अगर एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस टू का इस्तेमाल भी कर लेना है जानकारी भरने के लिए। डिस्ट्रिक्ट आपको अपनी यहाँ पर भर देनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, मेरी सहारनपुर है। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी स्टेट से हो। इसके बाद पिन कोड, आपकी स्टेट या जहाँ पर आपका पोस्ट आता है उसका पिन कोड क्या है, तो आपको यहाँ पर भर देना है। तो मैंने यहाँ पर ये अपना पिन कोड भर दिया है। इस नीचे दिया गया है परमानेंट एड्रेस, मैं आपको बता देता हूँ कि कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या होता है। प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आप फिलहाल में रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आपने जन्म लिया हो। तो अगर आपने जहाँ पर जन्म लिया है अभी भी आप वहीं पर रह रहे हो, तो आपको सेम एज एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब यह है कि आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ऊपर भरी हुई डिटेल्स भी नीचे आ जाएगी। अब इसके बाद जो जानकारी भी आपने यहाँ पर जिस भी ऑप्शन के अंदर भरी है वो अच्छे से चेक करनी है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुल, यानी कि आपने सभी जानकारी सही से भर दी है, सभी ऑप्शन फिल हो गए हैं, आपको ओके करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने आ जाएगी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज डिटेल। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ से भरनी होगी।
सबसे पहले आपसे ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जा रहा है, आपने किस सब्जेक्ट या स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो मैंने यहाँ पर की है आर्ट्स, मैं तो यहाँ पर आर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ पासिंग क्या थी, आपको अपनी मार्कशीट उठानी है, उस पर एक डेट होती है, उसमें आपकी डेट दी हुई थी कि कब आपने पास की थी। तो यहाँ पर मैं अपना डे, मंथ और यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कितने परसेंट आपको मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपकी ग्रेड क्या थी, तो मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो अप्लाई करने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन है। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप आगे के फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पर पहले फील्ड के अंदर जानकारी भर देनी है, उसके अलावा कोई जानकारी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दिया गया है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो यस करना है और अगर नहीं है तो आपको नो करना है। तो मुझे नहीं है, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप यस करोगे तो डिटेल्स में आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर यस कर दिया, तो आपको डिटेल्स में देना होगा कि आपको कंप्यूटर के कौन कौन से आते हैं, जैसे कि बेसिक हुआ, एक एक्सेल हुआ, एमएस ऑफिस हुआ, तो आपको उनके बारे में यहाँ पर कोमा लगा के, बिना कोमा लगाए लिख देना है। तो मैं यहाँ पर नो ही करने वाला हूँ। इसके अलावा डू यू पोसेस ए स्पीड एटलीस्ट 5000 की डिप्रेशन पर होवर और 4 डाटा एंट्री वर्क, क्या आपके 25 वर्ड या 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश या हिंदी में। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो आपको भी देख लेना कि आपकी स्पीड है, तो आपको तभी ये यस और नो में करना है। अगर आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो देखी होगी, यानी कि जिसमें कि जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताई है, तो आप समझ तो चुके होंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। अब आपको नीचे आना है। एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर भर देना है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, आपको अपना नाम देना है। डेजिग्नेशन, कहाँ पर आपने काम किया वो देना है, और कब से आपने ज्वाइन किया वो डे यहाँ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और ईयर सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा कब तक आपने किया, उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से डे, मंथ, ईयर सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज, आपके काम का नेचर क्या था, प्रकृति क्या थी, किस उस पर काम करते थे आप पोस्ट पर, वो पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। रिमार्क, रीजन ऑफ लिविंग, आपने किस वजह से छोड़ा उसके बारे में आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देना है। और इसके अलावा जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसको आपको यहाँ पर ईयर, मंथ और डे के अंदर लिख देना है, यानी कि जैसे कि 1 साल और 5 महीने, 10 दिन, इस प्रकार से आपको वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी, नहीं तो आपको उसको खाली छोड़ देना है। अब आपको इसके बाद जैसे ही आप ये ऑप्शन भर दो, अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी भर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो अपना टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ है वो आपको यहाँ पर भर देना है, जैसे कि 12 मंथ, 15 मंथ, 16 मंथ, 18 मंथ, जितने भी है वो आपको यहाँ पर भर देना है। ये मैं जानकारी उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास एक्सपीरियंस है, वैसे इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर अदर डिटेल में दिया गया है लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। तो पहले मैं हिंदी भरने वाला हूँ, हिंदी मुझे पढ़नी आती है और लिखनी आती है और बोलनी भी आती है। इसके अलावा ENGLIS, इंग्लिश मुझे पढ़नी आती है, राइट करनी भी आती है और थोड़ी बहुत स्पीक भी आती है। तो मैं यहाँ पर इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। इसमें एक लैंग्वेज जो कि हिंदी आपको ज़रूरी ही आनी चाहिए। इसके बाद मैं वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आया वेरीफाइड सक्सेसफुल, यानी कि मैंने सभी ऑप्शन फिल कर दिए। आपको भी चेक कर लेना है, अगर कहीं पर कोई कमी होगी तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा जब आप वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करोगे। तो अब मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर अपनी सभी जानकारी चेक कर सकते हो जो आपने अभी फिलअप की है। अब आपको यहाँ पर जो आपका इमेज होगा, जो आपने चूज किया था, अपना फोटो अपलोड किया था, यहाँ पर मैंने एक रैंडम इमेज किया था, तो मेरा यही इमेज आया है। तो आपको यहाँ पर दिया गया आई कन्फर्म डैट दिस इज माई फोटो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन दिया गया, आपको डिक्लेरेशन पर भी आई एग्री करना है। फिर यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ पर सिग्नेचर दिया है कि आई कन्फर्म डैट दिस इज माई सिग्नेचर, आपको इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको यहाँ पर लगे कि किसी ऑप्शन के अंदर आपके द्वारा भरी गई जानकारी गलत है, तो आप बैक करके उस जानकारी को जाकर के चेंज कर सकते हो, इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस ओपन होगा
उसमें मुझे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी। सॉरी, एप्लीकेशन फ़ीस के पहले ही मुझे कुछ और यहाँ पर भरना है, वो है थंब इम्प्रेशन। यहाँ पर आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना होगा। आपको चूज फाइल के ऊपर आपका जो अंगूठा है उसका थंब इम्प्रेशन, आप किसी भी अंगूठे का चाहे लेफ्ट चाहे राइट उसका इम्प्रेशन यहाँ पर दे सकते हो। मैंने यहाँ पर थंब का जो इमेज है वो सिलेक्ट कर लिया है, और जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोडिंग हो रही है, आप वेट कीजिए। जो आपने इमेज यहाँ पर चूज किया है वो इमेज आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि आपको एक इंक पैड लेनी है, उस पर अंगूठा लगा करके एक आपको ब्लैंक पेज पर यानी कि कोरे कागज़ पर लगा देना है, और वहाँ से आपको उसको स्कैन करके, जैसे कि यहाँ पर आ चुका है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा थंब इम्प्रेशन आ चुका है। और आगे है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी कि हाथ द्वारा लिखा हुआ डिक्लेरेशन। अब आपको इस डिक्लेरेशन के अंदर लिखना क्या है, हाथ अपने हाथ से। तो मेरे पास, मैंने पहले ये तैयार करके रखा है ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ये मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर आप अभी वीडियो के अंदर देख पा रहे हो ये वाली लाइन, जैसे कि मैंने अपना नाम दिया है आई अमजद मलिक, हरबी डिक्लेयर डैट ऑल दी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन दी एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको ये कोरे कागज़ के ऊपर लिख लेना है, और लिखने के बाद उस पर आपको नीचे सिग्नेचर कर देना है ताकि ये वैलिड माना जाए, और बस आपको उसको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद अपलोड कर देना है। अगर आप और भी अच्छे वाला डिक्लेरेशन लिखना चाहते हो तो आप जो अभी वीडियो में देख पा रहे हो इस डिक्लेरेशन को भी लिख सकते हो, पर अगर आप ऊपरले वाला डिक्लेरेशन भी लिखते हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शॉर्ट में है और यहाँ पर सभी जानकारी कवर की गई है। तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप ये छोटे वाला डिक्लेरेशन ही टाइप कर ले, यानी कि अपने कोरे कागज पर अपने हाथ द्वारा अपने खुद की राइटिंग से लिख ले, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ से इसको, आप रीड तो कर ही पा रहे होगे, वीडियो को पोस्ट करके आपको उसको रीड करके लिख देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ चूज फाइल करनी है, और जहाँ पर भी आपका इमेज है, मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ, उसको चूज करना है। यहाँ पर साइज़ दिया गया है 50 से 100 KB के बीच, तो मैं यहाँ पर कोई ऐसा इमेज अपलोड करने वाला हूँ जिसका साइज़ ज़्यादा हो, तो आपको भी इसी प्रकार से यहाँ पर कोई इमेज चूज कर लें। तो मैंने एक इमेज मिल गया है, मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ, यह इमेज यहाँ पर आ चुका है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड दिया गया है, ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो भी आपको इसमें कैप्चर कोड आए वही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो मैंने फिलअप कर दिया, इसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। इसके बाद आता है पेमेंट। अब आपको यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आ चुकी है, 500 रुपये आपको भरने हैं। नीचे सिक्योरिटी कोड फिर से दिया गया है, ये सिक्योरिटी कोड आपको फिर से यहाँ पर भरना होगा। मैं यहाँ पर इसको भर दे रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से भर देना है। आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, इसको कैप्चर कोड को फिल करके यहाँ पर आएगा डू यू वॉन्ट टू सबमिट, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आप पेमेंट के पेज पर डायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, या चाहे फिर डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन हो, चाहे फिर इंटरनेट बैंकिंग हो, या फिर वॉलेट कार्ड कैश कार्ड हो, और यहाँ पर बहुत सारे वॉलेट कार्ड दिए गए हैं, और अगर आप UPI से करना चाहते हो तो UPI का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो आपकी मर्जी है, आप जिस भी माध्यम से एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहे कर सकते हो, बहुत सिंपल है, इसमें अब आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको EPFO सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि मैंने आपको एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी दी है, जिससे कि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और आप अपना फॉर्म टेंशन फ्री और मिस्टेक फ्री सबमिट कर पाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।